नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज, खबर प्रयागराज से। कोराब तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत गाढ़ा में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस किसान गोष्ठी में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया, जो मुख्य अतिथि बनाए गए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में किसान विकास मंच के जिलाध्यक्ष एडवोकेट के वी सिंह उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम गाँव के ही डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका संचालन प्रेम शंकर सिंह ने किया। कार्यक्रम को प्रधान मानपुर राकेश पटेल, लालता प्रसाद सिंह सहित कई किसानों ने संबोधित करते हुए किसानों की पीड़ा व्यक्त की। किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए ललन सिंह पटेल ने कहा कि किसान अपनी अनाज को लेकर दर दर भटक रहा है, उसके अनाज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानून को वापस कराने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। इसका उद्देश्य है किसानों को जो है जागरूक करना, किसानों को संगठित करना। किसान जो है आज परेशान हैं, उनको अनाज का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है, खेती किसानी उनकी घाटे पर जा रही है, किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है। तो हम जो है किसान विकास मंच के माध्यम से हम अपने जो है विचारधारा को, अपने उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हैं, किसानों की पीड़ा को सुनते हुए और इनको संगठित करने के लिए, इनको जागरूक करने का जो है मेरा मुख्य मकसद है। आपका परिचय? मैं के बी सिंह पटेल, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष किसान विकास मंच। किसान है, यहाँ पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, आपकी समस्या क्या है कि आप लोग किसान गोष्ठी का आयोजन किए? क्या वो गाँव के जिम्मेदार रहे तो किसानों क्या है, जो सरकार ने तीनों कानून पास किया है, किसान विरोधी कानून पास किया है, उसके जन जागरण है। ये बैठक बुलाई गई थी और सभी किसानों को उसके विषय में जागरूक किया और बताया गया कि इसके विषय में अगली कार्रवाई क्या की जाएगी, उसकी सूचना दी गई और अग्रिम कार्रवाई। आपका परिचय? आरती सिंह, कुछ न करे ग्राम लखनऊ। इस संबोधन के बाद 2 मिनट का मौन रखकर दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों के प्रति उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करने की कामना की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रयागराज से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट।